नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पांच बुरी आदतें बताया गया है, जो आकर आपके अंदर है तो ये आपको कभी भी अमीर बनने नहीं देता। ये पांच आदतें आपको हमेशा गरीब रखता है। दोस्तों, अगर इतने आपके अंदर नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपके अंदर ये पांच आदतों में से एक भी आदत है तो उसे जल्द ही जल्द छोड़ दे। पांचवी आदत है अपने मेहमान का अपमान करना। अगर आपके घर में अगर दुश्मन भी आपके मेहमान के तौर पर आता है तो उसका सम्मान करिए, उसका ख्याल रखिए। अगर आपका वो मेहमान है, उसके बाद दोस्त है, उसके बाद रिश्तेदार है, उसके बाद आपका दुश्मन है, घर में आए मेहमान का सम्मान करने से, सत्कार करने से आपकी रिश्तेदारी अच्छी होती है, लोग आपकी पूछ करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, और कल के जब आप उसके घर जाते हैं तो वो भी आपका सम्मान करते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा, उसको भी अच्छा लगेगा। तो एटलीस्ट आप कुछ भी नहीं कर सकते तो घर में आए मेहमान को एक गिलास पानी जरूर दे। नंबर चार, खाली हाथ घर जाना। अगर आपकी भी आदत है कि हाथ हिलाते हुए रोज खाली आप घर पहुंच जाते हैं तो बहुत ही गलत आदत है, इसका आपको जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। अगर आपका भी पैसा है कि आप घर से डाउन करते हैं तो घर पे जाते हैं तो कुछ ना कुछ खाने का सामान जरूर ले जाए, इससे घर में खुशहाली आते, लोग आपका सम्मान करते, आपके इंतजार करते कि आप कब आएंगे, और आपसे प्यार करते, आपसे मोहब्बत करते, आपसे खुश जाते हैं, तो घर का जो माहौल होता है बहुत ही अच्छा हो जाता है, खुशहाल हो जाता है। छोटा मोटा खाने का फिर ले जाए, मिठाई ले जाए, कुछ भी ले जाए, लेकिन लेकर जरूर जाए। नंबर तीन, खाने को जूठा कभी ना छोड़े। अगर आपके भी अंदर ये आदत है कि खाने को जूठा छोड़ देते हैं तो बहुत ही गलत आदत है, इसको छोड़ दे। खाना उतना ही ले जितना आवश्यक हो, उतना ही ले आप जितना खा सको, उससे कम ना ज्यादा। अन्य जीवन जीने का एक साधन है, माध्यम है, अगर आप उसका ही सम्मान नहीं करेंगे तो बाकी चीजों का सम्मान कहाँ से करेंगे। आप एक वक्त का खाना जितना छोड़ते हो, गरीब परिवार के पूरे दिन की रोजी रोटी होती है, तो अन्न का अपमान करेगा तो आपके जीवन में दुख ही दुख आएगा, आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। नंबर दो, बिस्तर पर खुद को गंदा मंदा मत रखो। अगर आप भी अपने बिस्तर को, अपने आप को ना मना रखते हैं तो बहुत ही गलत आदत है। आपकी आदत है कि अपने बिस्तर के खाने पीने का, ताम नने का सामान बिखेर के रखते हैं, या कॉपी किताबें कुछ भी है, तो बहुत ही गलत आदत है, छोड़ दे। आपको सुबह उठकर अपने बिस्तर को साफ करना चाहिए और आमतौर अपने आप को भी साफ रखना चाहिए। रोज नहाए, अपने आप को साफ रखे। अगर आपको अपने खुद को साफ रखना, लोग आपकी परेशान नहीं आना चाहते। लोग अपने आप को साफ रखे और अपने बिस्तर को साफ रखे ही रखे। जब भी आप बाहर को खेल कूद के काम धंधा करके घर पे आए, एंट्री करें, तो हाथ पैर और मुंह जरूर धोए। हाथ पैर मुंह धोने से क्या होता है कि आप फ्रेश महसूस करते हैं, जो भी नेगेटिव वेल्स होती है घर के बाहर ही रह जाती है, इससे आप फ्रेश महसूस करते हैं, काम धंधे पर ध्यान दे पाते हैं और कामयाब जरूर हो जाते हैं। नंबर एक, सुबह देर से उठना। अगर आपकी भी आदत है देर से उठते हैं, या आलस से उठते हैं, या शौक से उठते हैं, तो बहुत ही गलत आता है। अगर आपका काम ही ऐसा है कि आपको सुबह देर से उठना पड़ता है तो बहुत ही अलग बात है, लेकिन आप शौक से उठते हैं तो बहुत ही गलत आदत है। देर से उठने वाला व्यक्ति आलसी होता है, वह कोई भी काम नहीं करना चाहता। आलसी व्यक्ति कभी भी वह काम नहीं करता जिससे वो सफल हो पाएगा। अगर आप सफल होना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो सुबह जल्दी उठे, अपने काम पर ध्यान दें। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो करें, आपने कोई काम करना चाहते हैं वो करें, लेकिन सुबह जल्दी जरूर उठे। ये पांच आदतें अगर आप जल्दी से जल्दी छोड़ दिए चाहिए, ये पांच आदतें आपको कभी भी अमीर नहीं बनने देती। अगर आपको वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।